कोरोना संकट पर रूस ने की भारत की मदद, रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी भारत पहुंची। हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंची स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप, क्लियरेंस के लिए रेडी लैब को सौंपी गई वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अलार कुनावाला का बयान, कहा कि मुझे कई पावरफुल लोगों से मिल रही हैं धमकियां। अलार कुनावाला ने बयान जारी करके कहा कि मुझे वैक्सीन को लेकर के धमकियां भरे फोन आ रहे हैं। कुनावाला का पूरा परिवार इस वक्त लंदन में है। दिल्ली में बढ़ाई गई लॉकडाउन की मियाद, सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली में अब 10 मई तक लॉकडाउन रहेगा, राज्य में कोरोना के हालात को देखते हुए लिया गया फैसला। दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक ऑक्सीजन सप्लाई की भारी किल्लत, बिना ऑक्सीजन अस्पताल में दम तोड़ रहे हैं मरीज। अस्पताल मौत की वजह ऑक्सीजन की कमी, लिखने से बच रहे हैं। कोरोना मरीजों की मौत को हार्ट अटैक बताया जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट की दो टूक, कहा कि अब पानी सर से ऊपर चला गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया आदेश, कहा कि दिल्ली को हर हाल में 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिले हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान, बत्रा अस्पताल में 8 लोगों की गई जान, मरने वालों में एक डॉक्टर भी शामिल। ऑक्सीजन की कमी से बत्रा अस्पताल में मरीजों की गई जान, हालांकि बाद में ऑक्सीजन के टैंकर पहुंचाए गए लेकिन काफी देर हो चुकी थी। कोरोना संकट पर हाईकोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार, पूछा दिल्ली सरकार ने सेना से मांगी क्यों नहीं मदद। दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई पर सीएम केजरीवाल बोले, शुक्रवार केवल 312 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली जबकि दिल्ली को 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। सीएम केजरीवाल बोले, इतने कम ऑक्सीजन में दिल्ली कैसे सांस लेगी, दिल्ली को 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। केजरीवाल ने कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई पर हमने केंद्र और हाईकोर्ट को चिट्ठी लिखी है, सभी अस्पताल एसओएस जारी कर रहे हैं। केजरीवाल सरकार पर गौतम गंभीर का निशाना, कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को नाकामी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। गौतम गंभीर ने कहा कि दिल्ली में पिछले एक साल में कोई तैयारी नहीं की गई, मैंने 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाया है। यूपी पंचायत चुनाव की मतगणना को सुप्रीम कोर्ट की सशर्त इजाजत, काउंटिंग सेंटर के बाहर कर्फ्यू, विजय रैली निकालने पर भी पाबंदी। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सोनिया गांधी का सरकार पर निशाना, कहा कि ये वक्त सरकार के जागने और कर्तव्य निभाने का है। सोनिया गांधी ने कहा कि देश भर में ऑक्सीजन और दवा की कमी, वैक्सीन की कीमत पर न हो भेदभाव। 18 प्लस युवाओं के लिए दिल्ली के 3 प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीनेशन, सरकारी अस्पतालों में आज वैक्सीनेशन नहीं। श्रमिक दिवस पर यूपी के श्रमिकों को बड़ी सौगात, यूपी के हर श्रमिक को 2 लाख का सुरक्षा बीमा कवर। यूपी के सभी श्रमिकों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया है, प्रवासी और निवासी कामगारों को बीमा की सौगात। बिहार के छपरा में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा दी गई, कोरोना सेट टेस्ट कराने के लिए अस्पताल में भारी भीड़। कोरोना संक्रमण के बीच तमिलनाडु के मदुरई में फिशिंग फेस्टिवल, कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। फिशिंग फेस्टिवल में सोशल डिस्टेंसिंग की खुलकर अवहेलना, मछली पकड़ने के लिए जुटी भारी भीड़। दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस ने बढ़ाई सख्ती, कर्फ्यू पास और आईडी कार्ड दिखाकर ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। लॉकडाउन के चलते चेक किए जा रहे वाहन पास, सिर्फ पास वालों को ही दी जा रही है इजाजत। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर लंबा जाम, लॉकडाउन के बाद भी सड़कों पर निकल रहे हैं वाहन। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में रिकॉर्ड 4 लाख से ज्यादा नए केस, 3,523 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 25,000 से ज्यादा नए केस, 412 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के कुल 99,361 एक्टिव केस हैं, 24 घंटे में 25,288 कोरोना मरीज हुए रिकवर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 100 बेड वाला कोविड अस्पताल बनाया गया, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बनाया गया है बेड। मुंबई में थमी कोरोना मरीजों की संख्या, 24 घंटे में 90 मरीजों ने तोड़ा दम, 24 घंटे में 3,908 नए मरीज। महाराष्ट्र में 24 घंटे में आए 63,282 नए केस, एक दिन में 802 लोगों की गई जान। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 34,626 नए केस, 332 लोगों की मौत, प्रदेश में 3,10,000 से ज्यादा एक्टिव केस। उत्तराखंड में कोरोना के 5,654 नए केस, पिछले 24 घंटे में 122 संक्रमितों की मौत। गुजरात में कोरोना विस्फोट, बीते 24 घंटे में आए 14,605 नए केस, 173 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 12,400 नए केस, एक दिन में 97 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में कोरोना के 90,796 एक्टिव केस, अब तक 5,616 लोगों की जान गई। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 160 कोरोना संक्रमितों की मौत, 17,652 से मिले नए संक्रमित।
पूर्व सांसद और आरजेडी के बाहुबली नेता शाबुद्दीन की कोरोना से मौत, दिल्ली के अस्पताल में चल रहा था इलाज। बिहार को मिले 16 लाख वैक्सीन, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही शुरू होगा 18 प्लस युवाओं का वैक्सीनेशन। बिहार में कोरोना ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड, 24 घंटे में मिले 15,853 नए मामले, जबकि पटना में 2,844 मरीज मिले। सीएम योगी के आदेश के बाद लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश ने मरीजों का जाना हाल, डीएम ने लोगों के घर पहुंचकर उनसे हालचाल जाना। ग्वालियर में नर्सिंग स्टाफ को लेकर के कलेक्टर ने जारी किया है नोटिस, नर्सिंग थर्ड ईयर के छात्रों की अस्पताल में लगेगी ड्यूटी। भोपाल में ऑटो एम्बुलेंस चलाने वाले जावेद पर मामला दर्ज हुआ है, ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर रखने के आरोप में कार्रवाई हुई। इंदौर में मां अहिल्या कोविड केयर सेंटर में मरीजों से संवाद, एमपी के सीएम शिवराज ने मरीजों से बात कर बढ़ाया हौसला। भीलवाड़ा के कोरोना पॉजिटिव परिवार ने सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए लगाई मदद की गुहार, परिवार ने की इच्छा मृत्यु की मांग, प्रशासन पर इलाज नहीं दिलाने का आरोप।